बेनिफिट ले रहे हैं। ये हमारा हार्ट चेकअप एंड डायबिटीज कैंप जो एवरी ईयर लगता है, हर साल लगता है इसी फरवरी के महीने में, ये हमारा आठवां चेकअप कैंप है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पेशेंट जो है अपनी जांचें भी करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी दवा की आवश्यकता होती है वो भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रही है विभिन्न फार्मा कंपनियों के द्वारा, और ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्विस अभी जारी है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ईसीजी की मशीन भी लगी हुई है, आंखों का भी टेस्टिंग हो रही है, दांतों वाले डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, बीएमआई, बोन डेंसिटी, एवरेज ब्लड शुगर और जितनी भी जांचें हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, और जो भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन किसी मरीज के साथ निकलता है तो उसको रेफर करते हैं हम रेनबो हॉस्पिटल, वो भी एक डिस्काउंटेड रेट पे 50% पे वो टेस्ट वहाँ होते हैं उनके और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अभी देखते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन और कैंप सुचारू रूप चल रहा है। सभी डॉक्टर्स का और सभी पेशेंटों का मैं धन्यवाद करता हूँ। रवा शिविर हो रहा है कैलाश मंदिर के पावन भूमि पर, और आज करीब 1100 से 1200 के मरीज देखे गए, उनको निःशुल्क उनकी चिकित्सा की गई, उनको परामर्श दिया गया, उनकी जाँचें हुई। जाँचों में जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में एक HbA1c होता है वो भी चेक हुई, न्यूरोपैथी है और माइक्रो और गुर्दे की जांच वो भी मुफ्त हुई, BMI मुफ्त हुई, न्यूरोपैथी मुफ्त हुई, ECS मुफ्त हुई, कार्डियोग्राफी मुफ्त हुआ, और बहुत सी दवाइयाँ भी जितनी भी थी करीब करीब 30 कंपनियों बाहर से आई थी और उन्होंने सारी दवाइयाँ मुफ्त में मरीजों को। कैंप के बारे में क्या, 1200 के करीब पेशेंट देखे हैं और इसमें हम लोगों ने जो रामलाल वृद्धाश्रम के जो तो बहुत करीब पेशेंट थे उन लोगों को फ्री भी देखा, और हमने बड़ा नॉमिनल सा रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा था है। और जिसमें जो टेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो उनकी वर्थ करीब 3500-4000 रुपया है। इसमें हम लोग HbA1c जो टेस्ट है बड़ी काफ़ी महंगा होता है, माइक्रो एल्बुमिन किडनी के लिए हम लोगों ने किया, ECG हम लोगों ने फ्री की है, न्यूरोपैथी हम लोग फ्री कर रहे हैं, और डेंटिस्ट पूरा फ्री एग्जामिनेशन कर रहे हैं दांतों का, क्योंकि डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस इन सब ऑर्गन में हो सकते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव के लोग हैं, उनको शुगर कंट्रोल के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, उसमें कि A1C है, अपनी किडनी का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी नर्व्स का भी ध्यान रखना है, आपको आई का भी ध्यान रखना है, आपको हार्ट का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, साइलेंट अटैक तक हो जाता है डायबिटीज़ में। तो उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है एक्सटेंसिव चेकअप करके उन लोगों को थोड़ा सा आगाह करें, उनको बताएं कि आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ शुगर कंट्रोल ही उद्देश्य नहीं होता, डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस को भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इस क्लब का इस क्लब के माध्यम से सोना कार्डियक प्लेयर जो सिकंदरा का है वो हमारे साथ हार्ट की पूरी सेवाएं दे रहा है, और इस कैंप में कैंप एक कराया गया। एक्चुअली आजकल हमारे समाज में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि मोटापा, बीपी की बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक संबंधित बीमारियाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके लिए मेनली ये कैंप है, एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप है, जिसमें कि हमने पेशेंट्स काफ़ी हार्ट के पेशेंट्स और बीपी के पेशेंट्स देखे हैं, जिनको कि हमने प्रॉपर डाइट और उनका ट्रीटमेंट को एडवाइस किया है, क्योंकि अगर जिसकी फर्दर जाँचें होनी है तो काफ़ी कम रेट्स में उसको जाँचें एडवाइस की गई हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था ये कैंप। कैंप लगाने की स्थिति क्यों आती है, या तो सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है या फिर गांव देहात के लोग पहुंच नहीं पाते हैं? ऐसा नहीं है, सरकारी अस्पताल में भी सुविधा है। एक्चुअली जो हमारे क्षेत्र है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये
मोटापा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की, इनका क्या होता है, इनके लक्षण कई बार मरीज़ को काफ़ी लंबे समय तक नहीं आते, और जब वो लक्षण आते हैं एग्जैक्टली तब तक वो बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है, एक कॉम्प्लिकेशन उसके स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैंप से हम लोग ये पेशेंट को अर्ली डिटेक्शन और उसको अवेयरनेस के लिए लगाते हैं, जिससे कि अगर किसी पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट है तो उनको हम ये वो हमारे पकड़ में आ जाए और हम लोग उनका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनको आगे चल के कोई बड़ी बीमारी, बड़ा हार्ट अटैक ना हो। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 100 के ऊपर मरीज़ देखे, और कुछ ऐसी समस्याएं जो गांव के आज आगरा के लोगों में हैं, गांव में जैसे कि पानी की वजह से हैं कुछ, जिसमें दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं, जिसे फ्लोरोसिस कहते हैं डेंटल भाषा में, और इसके अलावा मीठे की वजह से बहुत यंग बच्चों में ही तकरीबन 15 साल, 16 साल, 21 साल के बच्चों में जितना दांत में कीड़े लगना, और दांतों में एक समस्या जो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे लगी कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शन सबको मिलता है दांत निकलवाना, इतने 20 साल 21 साल की उम्र में ये बहुत ही ख़राब ऑप्शन मिला हुआ है, बहुतों के दांत नहीं हैं, गाढ़े नहीं हैं, ये एक समस्या हमने यहाँ पर देखी, और इसी के लिए हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बताए हैं लोगों को, और एडवांस ट्रीटमेंट करने के लिए भी उन्हें बताया गया है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें हमारी क्लिनिक में मिल सकता है।